So let's get started with the functions of commercial banks, right? तो total इसके पांच functions होने वाले हैं. पहले मैंने तीन लिखे हैं board पे, इसके बाद दो और लिखूंगी. तो पहला function है acceptance of deposits. देखो बेटा, जो banks होते हैं ना, उनका सबसे basic काम क्या होता है कि वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. आप लोगों को मैं ऑलरेडी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पढ़ा चुकी हूँ. सेविंग्स अकाउंट पढ़ा, करंट अकाउंट पढ़ा, एफडी पढ़ा, आरडी पढ़ा और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट पढ़ा. इन सब अकाउंट्स के जरिए आम जनता से बैंक पैसा कलेक्ट कर रही है. अब जरा देखते हैं हमें पेपर में क्या लिखना है. हमें लिखना है डिपॉजिट्स आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशंस सिंस बैंक्स आर बोथ borrowers and lenders of money. ठीक है, बैंक जो है वो आपसे पैसे लेता भी है, borrow भी करता है और आगे दूसरों को लोन देता भी है. तो यानी कि बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स को यूज करके आगे लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं राजे, लोन प्रोवाइड करते हैं. पॉइंट नंबर टू, एज borrower दे पे इंटरेस्ट. सिंपल है, एज borrower यानी कि जब बैंक हमसे पैसे डिपॉजिट करवाता है तो बैंक हमें क्या देता है बेटा, इंटरेस्ट देता है ना. कल ही डिस्कस किया था, सेविंग्स अकाउंट पे नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट मिलता है, थोड़ा सा. एफडी पे ज्यादा मिलता है, आरडी पे भी ज्यादा मिलता है हमें एज कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट, है ना. तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, दे ग्रांट लोन एंड गेट इंटरेस्ट. दो काम कर रहा है बैंक, एक तो पैसे ले रहा है और इंटरेस्ट दे रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, लोन दे रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है. ये दो काम कर लिए बैंक ने. तो यहां पर वही बताया हुआ बेटा कि पहला फंक्शन तो बैंक का है पैसे डिपॉजिट करवाना, क्योंकि आगे जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए जो उधार देना है बैंक ने लोगों को, उसके लिए पहले जरूरी है कि बैंक के पास डिपॉजिट्स आए. अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने लिखा है कि बैंक किस किस रूप में पैसे लेता है, कौन से अकाउंट में डलवाता है. सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, जो हाउस होल्ड्स के लिए है और स्मॉल सेविंग्स को एनकरेज करता है. फिर लिखा हुआ है करंट अकाउंट, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है और बिजनेसमैन को करंट अकाउंट खोलने पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है. उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि आम भाषा में जिसे हम एफडी कहते हैं, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है. चलिए फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेंडिंग ऑफ फंड्स. एक बार पैसे डिपॉजिट करवा लें तो अगला टास्क है पैसे उधार पे देना, यानी कि एज अ लोन देना, ठीक है, पब्लिक को. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव्ड थ्रू डिपॉजिट. अब आप बोलोगे मैम ये तो बेसिक सी बात है, कुछ नया सिखाइए. तो नया सिखा देते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ ध्यान देखना है, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी. सबसे पहले ये लोन किस किस रूप में दिए जाते हैं, पहला आ गया ओवरड्राफ्ट. नंबर वन, जिसको ओवरड्राफ्ट चाहिए कौन सा अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में भी आपको ऐसे ही ओवरड्राफ्ट नहीं मिल जाता, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपके ट्रांजैक्शंस का अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, आपकी कोई एफडी वगैरह हुई हुई है उसके अगेंस्ट आपको ओवरड्राफ्ट दे दिया जाता है. यानी कि मान लीजिए कि मेरे बैंक में आज की डेट में 10 लाख रुपए हैं और सडनली मुझे किसी को 13 लाख रुपए की पेमेंट देनी है, तो ये 3 लाख रुपए मैंने बैंक से क्या ले लिए, एज एन ओवरड्राफ्ट ले लिया, जो मुझे उन्हें इंटरेस्ट समेत लौटाना पड़ेगा. यहां तक समझ में आया, ओवरड्राफ्ट क्लियर है. नंबर टू, कैश क्रेडिट, यानी कि छोटे छोटे कैश में लोन दे दिए, ओजस गया बैंक के पास, ओजस ने बैंक से लोन मांगा, ओजस ने कुछ सिक्योरिटी रखवाई, बिना सिक्योरिटी के बैंक तो लोन देगा नहीं, ठीक है, और बैंक ने ओजस को लोन दे दिया. नंबर थ्री, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स. भैया ये समझाने में बहुत मजा आने वाला है आपको. प्लस वन में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मुझे नहीं पता अभी तक कर चुके हैं या नहीं कर चुके, नहीं शुरू किया तो कोई बात नहीं, आपको बेस मैं समझा देती हूँ. तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर लिखा है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल. तो दो बच्चे चुन लेते हैं पहले, एक तो जशन दूसरा मयंक. अब जशन ने मयंक को गुड्स सेल किए लेकिन मयंक ने कैश में पे नहीं किया, तो अब जशन ने क्या किया, एक बिल बना डाला और वो बिल जो है उस पर लिख दिया कि मयंक ने 25 तारीख को मुझे 25,000 रुपए देने हैं, ठीक है. मयंक ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया जो जशन ने बनाया. अब क्या हुआ बेटा, 25 तारीख तक वेट करना था जशन को, उसकी पेमेंट आनी थी 25 को, लेकिन 20 तारीख को उसके घर में एक सिचुएशन आ बड़ी, इमरजेंसी हो गई, उसे उन पैसों की सख्त जरूरत हो. तो अब ये क्या करेगा, इसे तो मयंक ने 25 तारीख को पैसे देने हैं, तो ये क्या
पास जाएगा, बैंक को बोलेगा बैंक जी ये बिल है मेरे पास, आपके बिल ले लीजिए, ठीक है। अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले चलिए थोड़ा बैक मारते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मयंक एक सॉरी जशन एक सेलर है, मयंक एक बायर है। तो जशन सेलर है जो, उसने मयंक को गुड्स बेच दी। अब मयंक ने कैश पे नहीं किया तो जशन ने बिल बना डाला, बिल पे डेट लिख दी और पैसे लिख दिए, साइन ले लिए कि 25 तारीख को 25,000 रुपए इस मयंक ने जशन को देने थे। लेकिन 20 अब जब बिल मयंक ने एक्सेप्ट कर लिया तब उस बिल का नाम बन जाएगा ट्रेड बिल। क्या नाम बन जाएगा? ट्रेड बिल, ठीक है। अब क्या होता है, नॉट ट्रेड बिल सॉरी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा गाइस, हाँ ट्रेड बिल। अब आगे क्या होता है कि अब जो है जशन के घर पे इमरजेंसी आ गई है, 20 तारीख को पैसों की सख्त जरूरत है, ये गया है बैंक के पास। बैंक में जो मैनेजर है उसने कहा जी बिल्कुल हम आपको आज ही पैसे दे देते हैं, ये बिल आप दे दीजिए, हम 25 तारीख को मयंक जी से पैसे ले लेंगे, ठीक है। पैसे कितने लेने थे इसने मयंक से? 25,000। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बैंक ने इसे लौटाए 24,000, 1,000 बैंक ने क्या रखा अपना कमीशन, क्योंकि बैंक वाले हमारे मामा चाचा या दाया को लगे नहीं हुए हैं जो हमारे को सोशल सर्विस देंगे, तो उन्होंने अपना कमीशन रखा 25,000 की जगह इसको कितने दिए 24,000। और अब 25 तारीख आ गई तो मयंक गया बैंक और मयंक ने वहां पर बैंक वालों को कितने रुपए दे दिए 25,000। अब समझ में आया सबको? तो ये है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। जब इसने बिल एक्सेप्ट किया था बिल क्या बन गया था? ट्रेड बिल। जब ये बैंक के पास गया बिल डिस्काउंट कराने तो उसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल भी बोलते हैं। अब समझ में आ गया एक बार सारे बच्चों को अच्छे से? चलिए टर्म लोन्स होते हैं बेटा, 10 साल का लोन, 20 साल का लोन, एक फिक्स टर्म के लिए आपको लोन दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 10 लाख का लोन हमने 10 साल के लिए लोन ले लिया 1 करोड़ रुपये का, तो मुझे 1 करोड़ 10 साल बाद नहीं लौटाने हैं, मुझे EMI देनी है हर महीने। EMI समझते हो? ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, मुझे हर महीने एक ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। 1 करोड़ की आप लगा लीजिए, अगर 10 साल का लोन है तो 1 महीने की कितनी किश्त बनती है, वो किश्त मुझे हर महीने जाकर बैंक को जमा करवानी है। तो बहुत सारी नई बातें इस एक पॉइंट के नीचे सीखने को मिलती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं अभी तक क्या सीखा। पहला पॉइंट सीखा कि बैंक का बेसिक फंक्शन है मनी को एक्सेप्ट करना। मनी को एक्सेप्ट करने के लिए बैंक ने तरीके बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स हाउस होल्ड्स के लिए, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए है, FD फिक्स डिपॉजिट है जिन्हें ज्यादा लंबे टाइम तक लमसम अमाउंट ऑफ मनी को जमा करवाना है, RD उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक छोटी सी पोर्शन अपनी इनकम का सेव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया लेंडिंग ऑफ फंड्स को उधार देने के। बैंक के पास कई तरीके हैं, पहला तो ओवरड्राफ्ट जो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा करंट अकाउंट होल्डर को, है ना। फिर हमने सीखा कैश क्रेडिट, यानी कि कैश में लोन दे दिया और वो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट देंगे, उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा आपको। और तीसरी जो हमने सबसे बढ़िया चीज आज सीखी वो क्या थी? डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स। जस्ट अ सेकेंड, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स में हमने क्या सीखा कि ये एक सेलर है, इसने डी को बायर को गुड्स सेल कर दी लेकिन इसने कैश में पे नहीं किया, तो ए ने एक बिल बना दिया, वो बिल जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका नाम बना ट्रेड बिल, ठीक है। पैसे देने थे 25 तारीख को, 25 जुलाई को, ठीक है, 25,000 रुपए देने थे, लेकिन 20 जुलाई को इस ए के घर पे इमरजेंसी आ पड़ती है, अब इसे अर्जेंट ही पैसे चाहिए। बी ने मना कर दिया, वो कहता देख मुझे 25 तारीख की डेट दी है तो 25 को ही पैसे लौटाऊंगा। तो ये ए हड़बड़ाहट में बैंक के पास चला जाता है, बैंक इसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। लेकिन वो इसे 25,000 नहीं देगा, वो इसे देगा 24,000, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 1,000 हो गई है उसकी कमीशन। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है चेक फैसिलिटी। अपने घर में चेक बुक्स तो आपने देखी ही होंगी, तो बैंक आपको अकाउंट खोलने पर पैसे जमा कराने पर चेक बुक प्रोवाइड करते हैं, चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये तो बेसिक बात है। लेकिन आज जो नई चीज़ सीखनी है वो ये है कि चेक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बियरर चेक और एक होता है क्रॉस्ड चेक। बहुत ही सिंपल फंडा है बेटा, अगर आप बियरर चेक लेकर जा रहे हो बैंक के पास तो सिंपल है कि बियरर चेक एक ऐसा चेक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जिया जो है वो गई बैंक के पास बियरर चेक लेकर, तो बियरर चेक
चेक ऐसा चेक है कि मान लीजिए जिया खुद नहीं गई, जिया ने अपने छोटे भाई या अपने बड़े भाई प्रणव को भेज दिया, तो क्या होगा, प्रणव भी इसके बिहाव पर वो पैसे इसके अकाउंट से विड्रॉ करवा सकता है। यानी कि बेयरर चेक माने कि जो जिसके हाथ में भी चेक है बैंक उसको पैसे दे दे, ठीक है, नो मैटर कौन सा इंसान बैंक के सामने खड़ा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब है कि पैसे बैंक सिर्फ तभी देगा अगर सामने कौन खड़ी है, जिया, जिया के भाई, चाचा जी, मामा जी, ताया जी, मम्मी जी, पापा जी, किसी और को पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेंगे, जिया को मिलेंगे। तो दो तरीके के चेक्स भी मैंने आपको बता दिए। बेयरर चेक एक ऐसा चेक है जिसमें जिस पर्सन का वो चेक है वो चला जाए या उसका कोई और रिश्तेदार चला जाए, साथी संगी चला जाए, पैसे बैंक दे देगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस चेक एक ऐसा चेक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बियरर, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ चेक के ऊपर, जो अकाउंट होल्डर है, सिर्फ उसी को ही पैसे बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है।